बिहार के सीवान में फिर से अपराधियों ने भयंकर तरीके से मचाया तांडव। बाप और बेटी को गोली मारकर पूरे इलाके में फैलाया सनसनी। सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलिया पंचायत के माघी में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग और पिता और पुत्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने कई राउंड लगातार फायरिंग करते रह गए, जब तक बाप बेटे पर सही निशाना नहीं बैठा। बाप बेटे जब तक गंभीर रूप से घायल नहीं हो गए, तब तक अपराधियों ने गोली चलाना नहीं छोड़ा। वहीं गोली चलाकर अपराधी आसानी से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक ऐसा सूचना मिली हुई है कि पिता और पुत्र अपने घर के आसपास बैठे हुए थे, तभी बाइक सवार अपराधी पहुंचे और दे दनादन गोली दागने लगे। गोली मार देने के बाद वहां से बिल्कुल आसानी से फरार हो गए। गोली पिता और पुत्र के रोने की आवाज़ आई, तभी वहां से स्थानीय लोग पहुंचे और हमारे गांव के लोग ही अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ देखे लेकिन वहां से मौजूद अपराधी आसानी से फरार हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा घायल दोनों पिता पुत्र को सीवान के सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां इलाज चल रहा है। जिनको गोली लगी उनकी पहचान सतेंद्र सिंह और उनके पुत्र चंदन सिंह के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद महाराजगंज थाने की पुलिस हरकत में आ गई है। वहीं थोड़ी देर पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र के पसनौली में अपराधियों द्वारा हवाई फायरिंग किया गया था, पुलिस वहां पर भी पहुंची हुई थी। तब तक दूसरा घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलिया पंचायत के माघी में घटी हुई है। एक ही थाना क्षेत्र में एक एक घंटे के बाद दो घटनाएं घट गई। इससे जाहिर होता है कि अपराधियों में तनिक सा भी पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। लगातार हत्या और गोली मार देने की वारदात हो रही है। सीवान में एक जमाना था कि काफी बाहुबलियों और क्रिमिनल थे, जो कभी खत्म हो चुके थे, लेकिन अब फिर एक मामला सामने आ गया है जिसमें अपराधियों का मनोबल इतना लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्रशासन को अपराधी का मनोबल तोड़ने की जरूरत है। लेकिन अपराधी खुलेआम चैलेंज देकर दिन हो या रात बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हिम्मत तो देखिए कि बाप और बेटे को ही गोली मार दिए, और पुलिस की विफलता के कारण पुलिस वालों का विश्वास उठता जा रहा है। जबकि अपराधी का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने व कांडों को उद्भेदन नहीं होने से लोगों की पुलिस करसली से उंगली भी उठ रही है। तो फिर से बता दें कि बड़ी खबर सीवान जिले से आ रही है, जहाँ सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलिया पंचायत के माघी में पिता और पुत्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है।